जब हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ सबसे पहला स्टेप आता है कि पानी जो जब भी बारिश होती है वो पानी समुन्द्र में ना चला जाए, वो पानी नालों में ना चला जाए, क्योंकि वो जो नालों में जो और ड्रेन्स में जो पानी जाता है वो सीधा बह के व्यर्थ हो जाते हैं, वो पीने के काम नहीं आता है, ना ही किसी पेड़ों के काम आता है। और आज जो सूखा पड़ रहा है, आज जो पानी की कमी है, इसी कारण है कि हम लोग हर जगह कॉन्क्रीटाइज कर दिए हैं। कॉन्क्रीटाइज मतलब हर जगह पत्थर लगा दिए। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ पे देखिए चारों तरफ टाइल्स लगा हुआ है। हमें ये आदत हो गई कि सोसाइटी में गाड़ी खड़ी करनी है, पेड़ पाड़ काट काट के भी लोग अपना टाइल्स लगा देते हैं कि बड़ी खूबसूरत लगेगा, मट्टी ना गिरे, पत्तियाँ ना गिरे, एक गलत टाइप का सोच हो गया है लोगों का, जिसके कारण आज जो पानी जिसका काम है कि अपने धरती के अंदर जाए वो ना जाके बह जाता है, व्यर्थ ही चला जा रहा है या इवेपोरेट कर जाता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए सबसे पहला साइंटिफिक तरीका है ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मतलब पानी हमारे जो ज़मीन के अंदर जो पानी जो बचना चाहिए उसमें हम लोग पानी दोबारा अंदर डालें। मेरा पर्सनल टारगेट पहले 10 स्कूल का था, लेकिन जब लोगों को इतना प्रोत्साहन मिला, इतना सपोर्ट मिला, 33 स्कूल्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अब मेरा टारगेट है कि मैं 50 स्कूल में जाऊँ।